यहां तामिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत केवलारी के पास किसान के खेत में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने के कारण किसान की 3 एकड़ में लगी हुई गेहूं की जो खड़ी फसल थी वो जलकर राख हो चुकी है। किसान बंटी गुप्ता ने बताया कि खेत में आग लगते ही आग बुझाने का कोई साधन नहीं था। लाइट बंद होने के कारण ग्रामीणों ने झाड़ियों के पत्तों से ही लगभग 1 घंटे में आग पर काबू पा पाया। घटना दोपहर की बताई जा रही है। जैसे तैसे स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, नहीं तो आग पूरे गांव को अपनी चपेट में ले सकती थी। आग लगने का कारण वही समझ में आ रहा है कि इनके खेत में अभी क्या है, डीपी लगी हुई है उच्च दाब लाइन की, 11 केवी की, और मैं रीडिंग दे रहा था उस टाइम तो लाइन ट्रिपिंग हुई थी जिससे लाइन बैठी थी। बाद में मैंने लाइन स्टैंड करवाई तो ऑपरेटर द्वारा बताया गया कि बंटी गुप्ता के खेत में आग लग गई है। मैं वहीं से तत्काल अपनी मोटरसाइकिल उठा करके आया और देखा तो यहाँ आग लगी हुई थी खेत में, और किसान लोग, ग्रामीण लोग सब बुझा रहे थे उस आग को। करीबन किसान के द्वारा बताया गया है कि 3 एकड़ के आसपास जो फसल लगी थी वो सारी जलकर बर्बाद हो गई है। बाकी मेरे द्वारा पंचनामा बना करके तैयार कर लिया गया है, इसकी जानकारी विभाग को, उच्च अधिकारी को दे दी जाएगी। ये मेरे खेत में मतलब आग लगने का कारण है स्पार्किंग हुई। स्पार्किंग की वजह से यहाँ मेरी जो फसल थी वो करीबन 3 एकड़ के समथिंग की जल गई है, और मैं शासन प्रशासन से उचित मुआवजे की दरकरार करता हूँ, जो कि मुझे अपने बच्चों का भरण पोषण के लिए शासन प्रशासन सहायता राशि देने की कृपा करें। तामिया क्षेत्र में गर्मियों के दिनों में आग की घटना आम हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, तामिया। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात, एमपी न्यूज के साथ।